मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है तो यह है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन किसके रूप में स्टोर किया जाता है, तो यह किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। अगला प्रश्न, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड कौन सी कमांड यूज करेंगे, तो ये करेंगे न्यू कमांड। अगला प्रश्न है, विंडोज में बाय डिफॉल्ट जब डिलीट हो जाती है उन्हें किस में भेजा जाता है, तो उन्हें भेजा जाता है रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनाए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, किसमें कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें कनेक्टिविटी का उदाहरण इंटरनेट है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करते हैं, तो ये होता है फुट नोट। पर्सन डाटा प्रोसेसिंग की गति को नापने के लिए सामान्यतः तो प्रयुक्त इकाई कौन सी है, तो यह है बिट प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है, तो यह है नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो यह है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को कहते हैं, तो बूटिंग कंप्यूटर को चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश के कंटेक्ट को दर्शाती है, तो यह दर्शाती है सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं तब डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहीं स्टोर किया जाता है, तो वह कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम में। पर्सन मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है, तो यह करता है बसेज के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है, तो यह होता है स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है, तो इसे कहते हैं नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, तो ये कराता है प्रिंटर। अगला प्रश्न, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न, असेंबलर का प्रयोग किस में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, तो ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है, तो ये होता है 1 मिलियन बाइट्स के समान। अगला प्रश्न, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। पर्सन पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो उसमें थे वॉल्व। अगला प्रश्न, किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्नोलॉजी टेक्निक निम्नलिखित है, तो यह है राइट क्लिकिंग। अगला प्रश्न है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो यह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरम्भ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए, तो ये होती है कंट्रोल प्लस एंटर। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में अक्षर की अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फॉन्ट। अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है वेन। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसी अंडरलाइन टेक्स्ट को खालिस्तान कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हाइपरलिंक।